स्टूडेंट, हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लिया, उसको अच्छे तरीके से समझ भी लिया। अब हम अपने लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ मूव करते हैं। आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं। पहले हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे, मैं आपको उसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे और उनको अच्छे तरीके से याद करेंगे। इस लेक्चर के दौरान आप अपनी बुक्स को अपने पास रखेंगे, एमसीक्यू जब मैं आपको बताऊंगा तो आप उसका करेक्ट ऑप्शन मार्क कर लेंगे। चलें स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 की एक्सरसाइज ओपन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज आ जाते हैं, कसीरुल इंतखाबी सवालात। एमसीक्यूज में हमें सवाल पूछा जाएगा और इसके चार ऑप्शन दिए गए होंगे। उन चार ऑप्शंस में हमें ठीक जवाब पे, सही जवाब पे निशान लगाना है। चैप्टर 2 का फर्स्ट एमसीक्यू है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनॉग्रेटेड इन, ऑप्शंस हैं हमारे पास 1947, 1948 एंड 1950। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी 1948, बी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। तो ये हम मसला कश्मीर के अंदर पढ़ चुके थे, जम्मू कश्मीर का तनाज़िया, इसमें हमने इस एमसीक्यू के बारे में पढ़ा था। एमसीक्यू है, रियासत जम्मू कश्मीर को अंग्रेजों ने डोगरा राजा के हाथ कितने में फरोख्त किया? फॉर हाउ मच डिड ब्रिटिश सेल द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू डोगरा राज? ऑप्शंस हमारे पास आ जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 70 लाख रुपीज, सेकेंड 85 लाख रुपीज, थर्ड 50 लाख रुपीज एंड लास्ट 75 लाख रुपीज। इसका करेक्ट आंसर 75 लाख रुपीज, यानी कि लास्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, जम्मू और कश्मीर की शाही रियासत 1848 में बनी थी, जब अंग्रेजों ने जम्मू और कश्मीर को डोगरा राजा गुलाब सिंह को फरोख्त कर दिया था। उसकी कीमत थी 75 लाख रुपीज, 75 लाख रुपए। नेक्स्ट एमसीक्यू तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, क्या मैं पाकिस्तान के वक्त रियासत हैदराबाद दक्कन में किस कौम की अक्सरियत थी? विच नेशन वॉज द मेजोरिटी इन हैदराबाद दक्कन स्टेट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शन हमारे पास आ जाती हैं, मुसलमान, मुस्लिम्स, हिंदू, सिख एंड ईसाई क्रिश्चियन। इसकी करेक्ट ऑप्शन है हिंदू। हमने चैप्टर में पढ़ा था हैदराबाद दक्कन का निज़ाम जो था, नवाब जो था, वो मुसलमान था, जबकि कौम ज़्यादातर हिंदू थी, लेकिन कौम नवाब से, निज़ाम से बहुत ज़्यादा खुश थी। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है, 11 सितंबर 1948 को भारत ने किस रियासत पर हमला किया? विच स्टेट वॉज इन्वेडेड बाई इंडिया ऑन सितंबर 11, 1948? ऑप्शन हमारे पास आ जाती हैं, स्टेट ऑफ हैदराबाद दक्कन, रियासत हैदराबाद दक्कन, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रियासत जम्मू और कश्मीर, रियासत मुनावदर, स्टेट ऑफ मुनावदर एंड लास्ट रियासत जूनागढ़, स्टेट ऑफ जूनागढ़। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए ऑप्शन, फर्स्ट, रियासत हैदराबाद दक्कन, स्टेट ऑफ हैदराबाद दक्कन। हमने पढ़ा था 11 सितंबर 1948 को भारतीय अफवाज ने निज़ाम की फौज पर हमला कर दिया था, हैदराबाद दक्कन पर हमला किया था, जिसके बाद 17 सितंबर को निज़ाम की अफवाज ने हथियार डाल दिए थे और भारत ने हैदराबाद दक्कन पर मुकम्मल तौर पर कब्जा कर लिया था, उसको कंट्रोल कर लिया था। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, असासों में पाकिस्तान का हिस्सा तनासुब के लिहाज से क्या था? व्हाट वाज पाकिस्तान्स शेयर इन एसेट्स इन टर्म ऑफ रेशियो? फर्स्ट ऑप्शन आ जाती है 750 मिलियन रुपीज, सेकेंड 700 मिलियन रुपीज, थर्ड 1050 मिलियन रुपीज एंड लास्ट 950 मिलियन रुपीज। इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, 750 मिलियन रुपीज, 750 मिलियन रुपए। हमने पढ़ा था भारत ने पहले पाकिस्तान को 200 मिलियन रुपीस दिए, उसके बाद पाकिस्तान के दबाव पे, बैन अल-अक़वामी दबाव पे 500 मिलियन रुपए दिए, जबकि 50 मिलियन रुपए देना अभी भी बाकी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, मुतहदा बरेसगीर में 1947 तक कुल कितनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ काम कर रही थी? हाउ मैनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वर ऑपरेटिंग इन यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट टिल 1947? ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं 10, 12, 16, 20। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 16, सी ऑप्शन।
हमने पढ़ा था कि बरेसगीर के अंदर उस वक्त 16 फैक्ट्रीज काम कर रही थी, 16 अस्तासाद फैक्ट्रीज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, जिनमें से एक भी पाकिस्तान वाले इलाके में, मुस्लिम अक्सरियती इलाके में मौजूद नहीं थी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, तकसीम में बरेसगीर से पहले डोगरा राज के खिलाफ कश्मीरियों ने किस साल अपनी आज़ादी की जंग का आगाज किया? इन विच ईयर डिड कश्मीरी स्टार्ट देयर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट डोगरा रूल बिफोर पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट? ऑप्शन हमारे पास आती हैं 1940, 1930, 1920, 1928। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन 1930। 1930 में कश्मीरियों ने डोगरा राज के खिलाफ बगावत की थी, अपनी आज़ादी की तहरीक का आगाज किया था, जिस पे डोगरा महाराजा ने कश्मीरी अवाम पर जुल्म सितम करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट एमसीक्यू आया, अक्वामे मुत्तहिदा के किस इदारे ने 1948 में रियासत जम्मू कश्मीर में इस्तिस्वाब राय करने के हक में करारदाद मंजूर की? विच यूएन बॉडी पास्ड अ रेजोल्यूशन इन 1948 इन फेवर ऑफ होल्डिंग अ रेफरेंडम इन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ऑप्शन हमारे पास आ जाती हैं ए ऑप्शन जनरल असम्बली, बी सिक्योरिटी कौंसिल, सलामती कौंसिल, जीम तौलीती कौंसिल एंड लास्ट आलमी अदालत इंसाफ। इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन सिक्योरिटी कौंसिल, सलामती कौंसिल। सलामती कौंसिल अक्वामे मुत्तहिदा का वो इदारा है जो दुनिया में क्याम अमन का जिम्मेदार है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास आ जाता है, तकसीम बरेसगीर के वक्त हिंदुस्तान में कौन वायसराय था? Who was the Viceroy of India at the time of partition of the subcontinent? Options हमारे पास आ जाती हैं Lord Curzon, Lord Wavell, Lord Minto and Lord Mountbatten. इसके correct answer हमारे पास D options दाल Lord Mountbatten. Lord Mountbatten बरेसगीर का आखिरी Viceroy था और इसके बाद ये इंडिया का पहला गवर्नर जनरल भी बना था। इसके बाद हमारे पास लास्ट MCQ आ जाता है। लास्ट एमसीक्यू है, 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान किस तंजीम का रुकन बना? ऑन सितंबर 30 1947 पाकिस्तान बिकेम अ मेंबर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शंस आ जाती हैं दौलत मुश्तरका, कॉमनवेल्थ, बी अक्वामे मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन, सी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तंजीम OIC, इक्तसादी तआवुन की तंजीम ECO, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है अक्वामे मुत्तहिदा, यूनाइटेड नेशन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था अक्वामे मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन का क्याम दूसरी जंग अजीम के बाद आया था, ताकि दुनिया को दोबारा ऐसी जंग का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे हमारे MCQs ख़त्म होते हैं। MCQ के मार्क आपने लगा लिए होंगे, इसको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन मुख्तसर सवालात को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इत्तेहाद यकीन और नज़्म व ज़ब्त से क्या मुराद है? इत्तेहाद ईमान और नज़्म व ज़ब्त के बारे में मैं आपको आज के लेक्चर में ही बता चुका हूँ। ये वो असूल था जो कायद आज़म ने मुसलमानों को दिया, जिस पर अमल करते हुए हमने पाकिस्तान को हासिल किया और मसाइल का हल भी इसी वजह से हुआ। आंसर में हम बताएंगे, इत्तेहाद से मुराद कौमी इत्तफाक और यकचहती, एक मुश्तरका मकसद के हसूल की खातिर सबको इकट्ठे और यकजा हो जाना। यकीन से मुराद अपने नस्बो लैन की सदाकत और उसे हासिल करने में खलूस नियत की बिना पर अल्लाह की मदद पर पुख्ता ईमान रखना। नज़्म व ज़ब्त से मुराद जोश के वक्त होश से काम लेना, बल्कि हर हाल में कायदे ज़वाबित की पाबंदी करना है। इत्तेहाद यकीन और नज़्म व ज़ब्त ही वो असूल हैं जो कायद आज़म ने बरेसगीर के मुसलमानों को दिए, और इनको अपना कर मुसलमानों ने अपने मुतालबात को मनवाया। इंग्लिश मीडियम में हमारा आंसर आ जाएगा यूनियन मीन नेशनल यूनिटी एंड सॉलिडरिटी, बिलीव मीन्स हैविंग अ फर्म फेथ इन द हेल्प ऑफ वन गॉड बेस्ड ऑन द सिंसियरिटी ऑफ वन्स इंटेंशंस एंड सिंसियरिटी इन अचीविंग इट। डिसिप्लिन मीन्स एक्टिंग कॉन्शियसली इन टाइम्स ऑफ एक्साइटमेंट। यूनिटी, बिलीफ एंड डिसिप्लिन आर द प्रिंसिपल्स डेट कायदे आज़म गेव टू द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड बाई अडोप्टिंग दैम The Muslims complied with their demands. First short question के बाद हम दूसरे short question की तरफ move करते हैं। Question है, कायद आज़म ने तलबा को क्या नसीहत की? What advice did कायद आज़म give to the students?
इसका आंसर कुछ इस तरह से है। कायदे आजम ने तलबा को नसीहत करते हुए फरमाया, पाकिस्तान को अपने तलबा पर फख्र है, वो हमेशा अगली सफ़ों में रहे और कौम की तवक्कोआत पर पूरा उतरे। तलबा हमारा मुस्तकबिल हैं और वो मुस्तकबिल के मोमार भी हैं। इनसे कौम नज़्म व ज़ब्त चाहती है ताकि वो वक्त के चैलेंजों का मुकाबला कर सकें। पाकिस्तान इज प्राउड ऑफ इट्स स्टूडेंट्स हु हैव ऑलवेज बीन एट द फोरफ्रंट एंड हैव मेट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द नेशन। स्टूडेंट्स आर आवर फ्यूचर एंड दे आर ऑल्सो द आर्किटेक्ट्स ऑफ द फ्यूचर। द नेशंस वांट डिसिप्लिन फ्रॉम देम सो दैट दे कैन फेस द चैलेंजेस ऑफ टाइम। कायदे आजम ने तुलबा को बताया कि पाकिस्तान को आप पे फख्र है, क्यों? क्योंकि हर मुश्किल का सामना करते हुए तुलबा हमेशा पहली सफ़ों में रहे। तुलबा किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरियाई पानी का मसला कैसे हल हुआ? हाउ वॉज द रिवर वाटर प्रॉब्लम बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया सॉल्व्ड? इसका आंसर है, आलमी बैंक ने दरियाई पानी का मसला देखते हुए पाकिस्तान की मदद का फैसला किया। कसी रकम मुख्तस की गई और काफ़ी गौर व फिक्र के बाद आलमी बैंक की मदद से 1960 में दोनों ममालिक के दरमियान एक माहिदा तय पाया। इस माहिदे को हम सिंतास माहिदे का नाम देते हैं। तीन दरिया रावी, सतलज और ब्यास पर भारत का हक मान लिया गया है और दूसरे तीन दरियाओं सिंध, जेहलम और चनाब पाकिस्तान को सौंप दिए गए। इसके बाद ये मसला काफ़ी हद तक हल हो गया। द वर्ल्ड बैंक डिसाइडेड टू हेल्प पाकिस्तान इन व्यू ऑफ द रिवर वाटर प्रॉब्लम। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वॉज एलोकेटेड एंड आफ्टर मच डेलीब्रेशन एन एग्रीमेंट वॉज रीच बिटवीन द टू कंट्रीज इन 1960। इट वॉज कॉल्ड द इंडस वाटर ट्रीटी। इंडियाज राइट टू द थ्री रिवर्स रावी, सतलज एंड ब्यास वॉज रिकोगनाइज एंड द अदर थ्री रिवर्स सिंध, जेहलम एंड चनाब वर गिवन टू पाकिस्तान। दरियाई पानी का मसला तब पैदा हुआ था जब भारत ने 1948 के अंदर 1948 के अंदर पाकिस्तान के दरियाओं का पानी रोक लिया था। इसके बाद वर्ल्ड बैंक ने 1954 में इस मसले को हल करने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज किया। 6 साल के अरसे में मुज़ाकरात होते रहे। बहस व मुबाहिसे के बाद 1960 में एक वायदा तय पा गया। इस माहिदे को हम सिंतास माहिदा कहते हैं। इसमें तीन दरिया भारत को दे दिए गए और तीन दरिया पाकिस्तान को दे दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पाकिस्तान के हिस्से के असास से पाकिस्तान को क्यों ना दिए? वाई इंडिया डिड नॉट गिव पाकिस्तान शेयर ऑफ एसेट्स टू पाकिस्तान? भारत ने पाकिस्तान के हिस्से के असास से पाकिस्तान को इसलिए ना दिए क्योंकि वो पाकिस्तान की मीशत को तबाह बर्बाद करना चाहता था और नई ममलिकत को कमज़ोर करना चाहता था। वो इसलिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल करना चाह रहा था। इंडिया डिड नॉट गिव पाकिस्तान शेयर ऑफ एसेट टू पाकिस्तान बिकॉज इट वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान इकोनमी एंड वीकन द न्यू स्टेट एंड फॉर दिस पर्पज इंडिया यूज एवरी टैक्टिक। भारत चाहता था कि पाकिस्तान को कमज़ोर कर दे, पाकिस्तानी मीशत को तबाह कर दे ताकि पाकिस्तान स्टेबल ना रह सके और दोबारा से हिंदुस्तान के अंदर शामिल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की इंतजामी मुश्किलात बयान करें। डिस्क्राइब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। इसका जवाब हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं। पाकिस्तान के इलाकों में सरकारी मुलाजमतों पर फाइज गैर मुस्लिम बड़ी तादाद में हिंदुस्तान चले गए। दफातर के अंदर फर्नीचर, स्टेशनरी, टाइपराइटरों की कमी थी। अक्सर दफातर ने खुले आसमान तले काम किया। हिंदू हिंदुस्तान जाते हुए दफ्तरी रिकॉर्ड तबाह कर गए। इस वजह से दफातर में काम करने में बड़ी दुश्वारियां पेश आईं। अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन मुस्लिम सीकिंग गवर्नमेंट जॉब्स इन पाकिस्तान वेंट टू इंडिया। द ऑफिसेज लैक्ड फर्नीचर, स्टेशनरी, टाइपराइटर्स। मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज स्टार्टेड वर्किंग अंडर द ओपन स्काई। द हिंदूज ऑन देयर वे टू इंडिया डिस्ट्रॉयड द ऑफिस रिकॉर्ड्स कॉजिंग ग्रेट डिफिकल्टीज इन वर्किंग ऑफ द ऑफिसेज। पाकिस्तान की नई रियासत के लिए इंतजामी मुश्किलात पर काबू पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मुसलमानों ने पूरे जज्बे से काम किया और पाकिस्तान की रियासत को अपने कदमों पर खड़ा कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियासत हैदराबाद दक्कन पर भारत ने कैसे कब्जा किया? हाउ डिड इंडिया कैप्चर द स्टेट ऑफ हैदराबाद दक्कन? ये क्वेश्चन हमने MCQ में भी पढ़ा है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पढ़ा है और अब ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा गया है। रियासत हैदराबाद दक्कन का निज़ाम मुसलमान था।
निजाम दक्कन भारत से इल्हाक के दस्तावेज पर दस्तखत करने पर आमादा नहीं था। अभी मामला जेरे गौर ही था कि 11 सितंबर को भारतीय फौज ने दक्कन पर हमला कर दिया। 17 सितंबर 1948 को निजाम की फौज ने हथियार डाल दिए और भारत ने रियासत पर कब्जा कर लिया। द रूलर ऑफ हैदराबाद दक्कन वॉज मुस्लिम वॉज नॉट विलिंग टू साइन द एक्सेशन डॉक्यूमेंट विद इंडिया। द मैटर वॉज स्टिल अंडर कंसिडरेशन व्हेन ऑन सितंबर 11 इंडियन फोर्सेज इन्वेडेड द स्टेट। ऑन सितंबर 17, 1948 निजाम्स आर्मी सरेंडर्ड एंड इंडिया ऑक्यूपाइड द स्टेट। भारतीय फौज के हमले को ऑपरेशन पोलो के नाम से याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, कायद आजम ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद क्यों रखी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों ममालिक की बैंकिंग के जरूरियात का जिम्मेदार था। बैंक में हिंदुओं की उजारादारी थी और इससे पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करने की तवक्का करना गलत था। भारत हर हाल में पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना चाहता था। इसके साथ साथ मगरबी माशी निज़ाम इस्लामी असूलों के मुनाफी था। कायद आजम पाकिस्तान में इस्लामी असूल नाफिज करना चाहते थे। इन हालात में कायद आजम ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद रखी। स्टेट बैंक कायम करने की दो रीजंस थी, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो था वो दोनों ममालिक की ज़रूरियात को पूरा करने का जिम्मेदार था, अब उस पर कंट्रोल हिंदुओं का था, तो उसने पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा नहीं करना था, ये बात वाजिया थी। दूसरा, मगरबी माशी निज़ाम जो है, वेस्टर्न सिस्टम जो है, वो इस्लामी निज़ाम के मुनाफी था, इस्लामी निज़ाम पे बेस नहीं करता था। इस्लामी निज़ाम में सूद हराम है जबकि मगरबी निज़ाम बेस ही उसी पे करता है, तो कायदे आज़म पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नाफिज करना चाहते थे, इसलिए स्टेट बैंक को कायम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायदे आज़म ने 11 अक्टूबर 1947 को सरकारी मुलाजमीन से खिताब करते हुए क्या फरमाया। कायदे आज़म ने फरमाया, हमारे लिए ये एक चैलेंज है, अगर हमें एक कौम की हैसियत में ज़िंदा रहना है तो हमें मजबूत हाथों से इन मुश्किलात का मुकाबला करना होगा। हमारे आवाम गैर मुनज़्ज़म और परेशान हैं, मुश्किलात ने उन्हें उलझाया हुआ है, हमें उन्हें मायूसी के चक्कर से बाहर निकालना है और इनकी हौसला अफजाई करनी है। इस वक्त इंतज़ामिया पर बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है और आवाम इसके जानिब रहनुमाई के लिए देख रहे हैं। This is challenge for us. If we are to survive as a nation, we have to face these difficulties with strong hands. Our people are disorganized and anxious. The difficulties have entangled them. We have to get them out and encourage them. At the moment, the administration has a huge responsibility and the people are looking to it for guidance. ये हम लॉन्ग क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं कि कायदे आज़म ने कैसे सरकारी मुलाजमीन को उनकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाया कि आवाम उनकी तरफ देख रहे हैं, उनके ऊपर बहुत भारी ज़िम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सूबाइयत और नस्ल परस्ती से क्या मुराद है। व्हाट इज़ मेंट बाय प्रोविंशियलिज्म एंड रेशियलिज्म। रंगो नस्ल इलाकाई बरतरी का एहसास और इस पर गरूर व तकब्बुर करना और दूसरों को हकीर और कमतर जानना सूबाइयत और नस्ल परस्ती कहलाता है। कायद आज़म की नसीहत थी, अवाम को इलाकाई नस्ली और लसानी बुनियादों पर सोचने की बजाय कौमी सोच अपनानी चाहिए। अ सेंस ऑफ रेस एंड रीजनल सुपीरियरिटी एंड एरोगेंस एंड कंटेम्प्ट फॉर अदर इज कॉल्ड प्रोविंशियलिज्म एंड रेशियलिज्म। कायद आज़म एडवाइज दैट द पीपल शुड अडॉप्ट नेशनल थिंकिंग इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑन रीजनल एथनिक एंड लिंग्विस्टिक ग्राउंड्स। सूबाइयत परस्ती से मुराद अपने सूबे के लोगों को बरतर समझना, जैसे पंजाब के लोग समझे पंजाबी अच्छे हैं, सिंध के लोग समझे सिंधी ज़्यादा अच्छे हैं, बलोचिस्तान के लोग समझे बलोची ज़्यादा अच्छे हैं, ये सूबाइयत परस्ती कहलाता है। जबकि नस्ल परस्ती से मुराद अपनी नस्ल के लोगों को ज़्यादा बरतर समझना है। कायद आज़म ने अपनी दूरंदेशी के बायस शुरू में ही पाकिस्तान के लोगों को इस बात का दर्श दिया कि वो इन चीज़ों से निकलें और पाकिस्तानी बन के सोचें। फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रियासत जूनागढ़ ने भारत के साथ इल्हाक क्यों ना किया। व्हाई डिड जूनागढ़ डिड नॉट जॉइन इंडिया। रियासत जूनागढ़ का नवाब मुसलमान था, नवाब ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान कर दिया और भारतीय अफवाज की ज़बरदस्ती की बिना पर भारत से इल्हाक करने से इनकार कर दिया।
भारत ने जूनागढ़ के लाहौर को अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत समझा और भारतीय अफवाज ने जूनागढ़ पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। द नवाब ऑफ जूनागढ़ स्टेट वॉज मुस्लिम ही डिक्लेयर्ड एनेक्सेशन विद पाकिस्तान एंड रिफ्यूज टू ज्वाइन आफ्टर कॉर्शन ऑफ इंडियन फोर्सेज। इंडिया कंसीडर्ड द एनेक्सेशन ऑफ जूनागढ़ एज इंटरफेरेंस इन इट्स इंटरनल अफेयर्स एंड इंडियन फोर्सेज फोर्सिबली कैप्चर्ड जूनागढ़। ये भी हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। जूनागढ़ का नवाब नवाब मोहब्बत खान जी मुसलमान था, वो पाकिस्तान के साथ इलहाक चाहता था और उसने इस बात का ऐलान भी कर दिया। भारत ने इसको अपने मामले में मुदाखलत समझा और जूनागढ़ में फौज दाखिल कर दी और फौज के जरिए जूनागढ़ पे कब्जा कर लिया। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने पहले लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 में जमहूरी रियासत में मसाइल का हल कैसे किया जाता है, हमने लीडरशिप के किरदार के बारे में पढ़ा, डिस्कशंस, मुज़ाकरात, बहस व मुबाहिसे के बारे में पढ़ा, हमने यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के बारे में पढ़ा। इसके बाद लेक्चर के दूसरे हिस्से में हमने एक्सरसाइज की चैप्टर 2 की, हमने MCQs पढ़े और उनके निशान लगाए। उसके बाद हमने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को भी मुकम्मल कर लिया। इस तरह हमारा चैप्टर 1 भी ख़त्म हो गया और चैप्टर 2 भी ख़त्म हो गया। ये हमारी बुक के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मुझे उम्मीद है आप लेक्चर्स लेने के साथ साथ इनको अच्छे तरीके से याद भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 3 का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को और वीडियो को अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि वो पाकिस्तान स्टडीज़ के लेक्चर्स को ले सकें और अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकें और बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें।